जापान में एक कृषि रहता था जिसका नाम था जोजो। वो बहुत ही गरीब और भोला भाला बेवकूफ जैसा था और दुनिया भर की कोई खबर नहीं रखता था, सिर्फ अपने गांव बूढ़े पुराण का ही खबर रखता था। उसकी एक पत्नी थी, वो बड़ी ही कामी और अच्छी थी। क्या हुआ, क्या कर रही हो? जी, घर की सफाई कर रही थी। सच में तुम बहुत गुणी हो, हमेशा घर साफ करना, खाना बनाना, कोई ना कोई काम हमेशा करती रहती हो। इसीलिए तो घर इतना साफ सुथरा रहता है। तुम बहुत अच्छी हो। बस बस, रहने दीजिए रहने दीजिए। भूख लगा है, खाना दो। दे रही हूँ। इधर गांव के रास्ते से झुंड में गुजर रहे थे सपेरे, पूरे दिन थके हारे। वहां से गुजर रहे थे शहर के तरफ, तभी जाने के समय एक वेद की लड़की फेंक गई जंगलों में एक आईना। उसी समय जोनी वहां से गुजर रहा था काम करके, तभी एक क्या उस झाड़ी के पास क्या चमक रहा है, देखता हो जाके क्या है। कौन है मेरे तरफ देख के ऐसे हंस क्यों रहा है? ये जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे हाँ, ये तो मेरे पिता है। वही आंखें, वही मुंह में, वही चांदी की ताबीज। भगवान शायद तोहफा दिए है, इसे लेकर घर जाता हूँ। क्या जी, आज आने में इतना लेट हो गया? खेतों में थोड़ा काम था। जाओ मेरे लिए पानी ले आओ। जी अभी ला रही हूँ। इसे कहीं छुपा के रखना होगा, वरना गांव वाले इसे छुके अपवित्र कर देंगे। इसीलिए मैं इसे कहीं छुपा के रखूंगा। लेकिन इसे मैं कहाँ रखूं? हाँ, यहाँ पे छिपाता हूँ, गद्दे के नीचे, कोई नहीं देख पाएगा। ए जी, वहाँ क्या कर रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं देख रहा था। मैं देख रहा था बिस्तर कितना साफ है। उस दिन की घटना तो घट गई, लेकिन पिताजी की तस्वीर देखने का लोभ तो बढ़ता ही गया दिन पे दिन। काम छोड़ छोड़ कर बीच बीच में आने लगा देखने। एक दिन ओ रोज पता नहीं क्या घर में छिप छिप के देखता है, आज मैं छिप के देखूंगी क्या करता है। नहीं, चारों तरफ सुनसान है, कोई नहीं दिख रहा है। यही मौका है, जा रहा हूँ पिताजी को एक बार देखने। एक बार देख के आता हूँ। आज तुम छुप छुप के क्या करते हो, मैं सारा देखूंगी। नहीं, अब इसको इसके जगह पे रख के काम पे जाता हूँ। देखो जरा वो रोज क्या देखते हैं यहाँ पे। ये कौन है? कितना भयानक सा शक्ल है, नाक मोटा, मुंह गोल गोल, छी छी छी, कितनी गंदी लड़की है। ओहो, तुम रोज रोज इसी लड़की को देखते हो? आने दो, मैं सबक सिखाऊंगी तुम्हें, आने दो। क्या हुआ, मुंह फुला के क्यों सोई हो, कुछ हुआ है क्या? ये लड़की कौन है? मेरे पिताजी की तस्वीर तुझे कैसे मिला? ये आपके पिता है?
हाँ ये तो एक लड़की की तस्वीर है। मेरे पिता की तस्वीर है। नहीं, लड़की की तस्वीर। दोनों के झगड़े के समय गांव का एक आदमी आया उनके घर। सारी बातें सुनकर देखा वो उस आईने को, बोला, तुम लोगों को दिखता नहीं है इसलिए तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। देखो इनको, ये महान पुरुष है, परमात्मा है। इनके आंखों में एक दिव्य ज्योति है। ये तुम्हारे पिता नहीं है और ना कोई लड़की है, ये एक प्राचीन महापुरुष है। इन्हें ऐसे वैसे नहीं रख सकते हैं। इनको मैं ले जाऊंगा, इन्हें मंदिर में ले जाके स्थापना करना पड़ेगा। इसके बाद की घटना बड़ी ही छोटी है। जोनी और जोजो दोनों ही सारी बातें भूलकर आराम से खाने पीने बैठ गए। अच्छा तो ये बताइए, एक आईना लेके झगड़ा क्यों था? हाँ, क्योंकि घटना यह था, उस गांव के लोगों के सामने आईना नाम के परिचय ही नहीं था।